हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहे कर रहे होंगे, करते रहिए। टाइम लेस रीडिंग है गाइस, सभी जोडिक साइन के लिए मैरिड अनमैरिड कोई भी रीडिंग को देखिए, जब भी रीडिंग सामने आए तब रीडिंग उठाकर देखो, बहुत गाइडेंस है, बहुत कुछ मिलेगा आपको रीडिंग में, आपसे रेजोनेट करेगी डेफिनेटली, ठीक है। और प्लीज चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, फॉर एनर्जी एक्सचेंज। स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग, यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे आज हम, ठीक है। हफ्ते में एक बार तो ये रीडिंग बनती है और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है आपके पर्सन और आपकी तरफ, ठीक है। तो एक तरफ आपके पर्सन की एनर्जी, दूसरे तरफ आपकी एनर्जी। सो एंजल्स, इस तरफ व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, इस तरफ व्यूअर्स की एनर्जी, कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन कहाँ है, अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ चल रहा है, प्लीज गाइड मी। फोर कार्ड्स इस तरफ, फोर कार्ड्स इस तरफ। पैशन, बॉटम से वी हैव इनसिक्योरिटी, ग्रीफ, रिनोवल एंड इम्पेशंस, मिस्टिसिज्म, ग्रोथ, डिस्पोंडेंस एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, एनर्जी पहली ऐसी है कि आपके जो पर्सन है वो अपने पैशन को फॉलो करने लग गए गाइस, ठीक है। वाह क्या बात है, इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर पहुंच चुका है कि अब वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। हो सकता है सोल पर्पस मिल गया होगा इस पर्सन को, आपके पर्सन भी आप ही की तरह शाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मेडिटेशन करने लगे हैं, बहुत सारे लोग के पार्टनर यहाँ पर एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन से गए हैं। और यहाँ पर ये भी नजर आता है कि धीरे धीरे करके इस पर्सन के चेहरे की चमक बढ़ रही है, ऐसा नजर आता है कि काफी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर हो रहे हैं। इनके ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब के ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा होगा और बहुत सारी चीजें, इस पर्सन के बाल वाल जो बनाते थे उससे डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, और डिफरेंट तरह की ड्रेसेस ट्राई कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो बदल रहा है, ऑरा बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऑरा पॉजिटिव होता है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, इनर वर्क करते हैं, ऑल्सो अपना सोल पर्पस करते हैं। यहाँ पर ये नजर आता है कि कभी कभी ना इस पर्सन को दुख होता है, किस चीज को लेकर दुख होता है, इम्पेशेंस हो जाते हैं कि मुझे वो कब मिलेगा जो मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस पर्सन की एनर्जी ये है कि एक तरफ काफी पॉजिटिव एनर्जी है, दूसरी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी नजर आती है। जहां पर ये पर्सन अपनी लाइफ को पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि इन्हें बहुत दुख दुख मिला है अपनी जिंदगी में। तो जो भी चीजें इस पर्सन के लिए बनी हुई हैं या ब्लेसिंग है, जो भी गिफ्ट है, ठीक है, वो इस पर्सन तुरंत पाना चाहते हैं। उस चीज के लिए कभी कभी बहुत इम्पेशियंस हो जाते हैं और ऐसा यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे तुरंत दे दो, ठीक है, और इस चीज को सोचकर बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये एनर्जी भी है, तो ये हमेशा की एनर्जी नहीं है। कभी कभी जब ये पर्सन थोड़ी सी वाइब्रेशन लो होती है, या फिर देखिए सब एक एक वाइब्रेशन में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे कभी कभी आप लोग नीचे भी आते हो, फिर उठ जाते हो ऊपर की तरफ, फिर नीचे आते हो, फिर उठ जाते हो ऊपर की तरफ। तो ऐसी इस पर्सन की भी एनर्जी है कि जब ये अपना पास्ट याद कर लेते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है और उस वक्त ये इम्पेशियंस होने लगते हैं उन चीजों के लिए जो ये पाना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल एनर्जी आई है, थर्ड आपके उसकी यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आई है, वो थर्ड आई की स्पेशली निकल कर आई है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आप आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि आप, ऐसा लगता है कई बार कि आप यूनिवर्स से बहुत मांग रहे हो, बहुत मांग रहे हो, बहुत मांग रहे हो, आपकी प्रेयर सुन रहे हैं वो, लेकिन आप कई बार लोगों की, जैसे डिस्पोंडेंस का कार्ड है, आप सोल पर्पस ऑलरेडी कर रहे हैं तो लोगों का काम है गाइज, वो आपको टारगेट करते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते हैं। जैसे अगर आप लाइफ के अंदर किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको बदले में आपको कुछ देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की है, ये अपना सोल पर्पस कर रही है, ठीक है, वो अपना सोल पर्पस अच्छे से कर रही है, बट फिर भी आप ये देखिए एक लड़की है जो इसको बहुत बुरी तरीके से देख रही है और इसकी तरफ एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रही है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप लोग भी हो, आप लोग भी अगर सोल पर्पस कर रहे हो, कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है तो वो चीज आपको परेशान करेगी, क्योंकि आप उसके लिए जो भी काम कर रहे हो सेल्फलेस होकर कर रहे हो और यूनिवर्स की मर्जी से कर रहे हो,
लेकिन इंसान को ऑब्वियसली बात, इंसान को जो चीज फ्री में मिलती है वो उसका कभी मतलब कहते हैं ना, उस चीज को कभी वो समझता नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे लोग आपकी तरफ मौजूद हो सकते हैं जो आप काम तो अच्छा कर रहे हो लेकिन वो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने से रुकते नहीं है। तो कई बार ये चीज आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है, अदरवाइज आपको प्रोटेक्शन तो है गाइस, ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत अफेक्ट हो जाते हो आप भी। यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है, आपकी लाइफ में लगातार ग्रोथ हो रही है क्योंकि आप लगातार ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है। आपकी लाइफ में जो भी है, जैसा भी है, आपने शिकायतें नहीं की हैं और आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में लगातार ग्रोथ हो रही है। ओके, और देखते हैं मेजर क्या चल रहा है। चाहिए डेविल सन हेरोफेंट, ओके, स्ट्रेंथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एम्परर। ओके, सो लक आपके फेवर में आ चुका है डियर, ठीक है, यहां पर यू वर्सेस देम की रीडिंग में लक आपके फेवर में आ चुका है। ठीक है, आपके पर्सन की साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पर्सन हैरोफेंट का कार्ड है, किसी मैरिज में स्टक है, किसी कार्मिक मैरिज में स्टक है, या आप दोनों की मैरिड लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, यहां पर तो बहुत जल्दी रोशनी आने वाली है क्योंकि यहां पर कार्ड है डेविल का और यहां पर कार्ड है सन का। ये कार्ड कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, यानी कि डार्क से लाइट की तरफ। ठीक है, डेविल एक अंधेरा है और सन यहां पर जब कार्ड देता है, जब सन आता है तो वो ये बता देता है पूरी रीडिंग पर। सन पूरी रीडिंग पर भारी होता है और सन आपका प्लैनेट भी है। सन जब भी आता है तो ये बता देता है, पूरी रीडिंग पॉजिटिव कर देता है और ये कहता है कि अंत में कुछ भी हो जाए, जीत हमेशा सत्य की होगी और जीत हमेशा पॉजिटिविटी की ही होगी। तो यहां पर आपके पर्सन की लाइफ में कितनी भी कार्मिक सिचुएशन, डेविल सिचुएशन, नेगेटिविटीज, नेगेटिव लोग, कुछ भी क्यों ना बना हो, इनफैक्ट अगर मैरिज में भी कहीं स्टक है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये वहां से छूट जाएंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, यहां पर ये नजर आ रहा है। एंड सन कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन पॉजिटिव की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्शन ही लेंगे यहां पे, और डेफिनेटली नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ही मूव कर रहे हैं लगातार। यहां पर स्ट्रेंथ का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एम्परर। देखिए, आपने बहुत स्ट्रेंथ बनाई हुई है, आपने अपनी लाइफ में अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आपने बहुत अच्छी टेस्टिंग की हुई है और आपकी स्ट्रेंथ को देखकर यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में गिरा है, यानी कि आपके फेवर में आया है लक आपकी बार। तो यहां पर टेम्परर का कार्ड है। देखिए, जब लक आपके फेवर में आया है तो वो एम्परर का कार्ड लेकर आया है, यानी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड लेकर आया है साथ में। मैंने बोला था आपको कि लाइफ में खत्म होने जैसा कभी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लक आपके फेवर में इस वक्त में नजर आ रहा है और लक में यहां पर आप कुछ नहीं ज्यादा चाहते, आप अपने काउंटर पार्ट को ही चाहते हैं, तो वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके काउंटर पार्ट को लेकर आया है। तो यानी कि बहुत सारे लोग इस तरह की एनर्जी में है इस वक्त में, जो अपने काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, मतलब बिल्कुल क्लोज ही है आप। ठीक है, हो सकता है कल परसों नरसों किसी भी वक्त आपके यूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, उस व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, उस व्यक्ति को आप जान सकते हैं जो आपके लिए बना है। ठीक है, ये यहां पर नजर आ रहा है। वाओ, वाओ, डिवाइन फेमिनिन, नॉट बैड, क्रिएटिविटी, कनेक्शन एंड डेटिंग, डिवाइन मैस्कुलिन, क्या बात है, हाय सोलमेट, हाय मेरे व्यूअर्स, फॉरगिवनेस। ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, और कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग समझ रहे हैं और
ये समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, मतलब आपके पर्सन के दिमाग में आप ही आप छाए हुए हो, ठीक है। यहाँ भी बॉटम में डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, तो आप ही आप इस पर्सन के दिमाग में छाए हुए हो, और कहीं ना कहीं नजर आता है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है। ये पर्सन कनेक्शन अंदर से स्ट्रांग बनता है, कनेक्शन बाहर से स्ट्रांग नहीं बनता है। कनेक्शन आपके अंदर अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो बाहर बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। अंदर खोखलापन है, अंदर झूठ है, अंदर दिखावा है, तो बाहर चीजें आप दिखावे में ही करोगे, लेकिन अंदर से चीजें नहीं जुड़ी हैं तो बाहर भी जुड़ नहीं सकती हैं। तो आपके पर्सन का कनेक्शन जो है वो आपके साथ अंदर से बनता जा रहा है, तो बाहर समझ लीजिए स्ट्रांग कनेक्शन ही बिल्ट होगा। यहाँ पर कार्ड है क्रिएटिविटी का, ऑफकोर्स आपके पर्सन कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त में आपको डेट करना चाहते हैं। सोलमेट्स, आप तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, ठीक है, और फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए भी तैयार हैं कि आप अपने डीएम को माफ करेंगे। ऑफकोर्स अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, यहाँ भी बॉटम से डिवाइन फेमिनिन आई है, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को माफ कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। डीएम को माफ कर सकते हो आप, क्योंकि डीएम जो करते हैं वो आपकी अवेकनिंग के लिए करते हैं, तो आप माफी देते हुए भी नजर आ रहे हो अपने पर्सन को, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाओ, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आ रही है, मजा आ गया रीडिंग करके। ओशो जेन से देखते हैं, ड्रीम, इंटेंसिटी, ट्रैवलिंग, टर्निंग इन, गोइंग विद द फ्लो, एंड कॉन्शियसनेस। ब्यूटिफुल एनर्जी इस वक्त, ऐसा लग रहा है फ्लावरिंग की एनर्जी बॉटम से, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड देख कर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर हैं वो सही जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ये है कि आपके पर्सन कर्मा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने कॉन्शियसनेस में डीप जा रहे हो। आपके पर्सन को लगातार आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, और ये कनेक्शन इस पर्सन को बहुत इंटेंस लग रहा है, बहुत इंटेंस, जैसे खींचता है ये कनेक्शन इस पर्सन को। लगातार आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, लगातार आप इस पर्सन को ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हो, ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जैसे मतलब इस पर्सन ने कभी सोचे नहीं थे, ऐसे आप इस पर्सन को ड्रीम्स में नजर आ रहे हो, बहुत इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, जैसे इस पर्सन का मन होता है एकदम से कि आपकी तरफ भाग कर आ जाए, आपकी तरफ दौड़ कर आ जाए, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी तरफ है। टर्निंग, आप तो बड़ी अपना इनोवा कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो अपनी, मजेदार, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कितने सारे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी लड़की के चेहरे पे एक पीस है और वो अपना काम कर रही है, तो आप अपना इनोवा कर रहे हो, गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, जैसा परमात्मा की इच्छा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, और गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, किसी चीज पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हो, जो जैसा मिल रहा है उसको स्वीकार करके अपना काम कर रहे हो। एंड देखिए आपका डीप कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की जब भी बात आती है तो मास्टर बुद्धा की यहाँ पर तस्वीर बनी रहती है, क्योंकि एक वही थे जिन्होंने धरती पर रहकर ज्ञान अर्जित किया था, ठीक है, मतलब इंसानों के रूप में आए थे वो, और उन्होंने वो वाला ज्ञान अर्जित किया था, परम ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार जब चीजों को देखा, ठीक है, एक मरे हुए आदमी को देखा, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल किया, मृत्यु क्या है। हम कभी ऐसे सवाल नहीं करते कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, हमें तो पता है मृत्यु क्या है, ठीक है, हमको तो जो बचपन से सिखा दिया हम वही चीज मानते हैं, इस चीज पे प्रश्न कभी नहीं उठाते कि मृत्यु क्या है या फिर क्यों होना जरूरी है। इस तरीके के तमाम सवाल बुद्ध के अंदर उठे थे, इस वजह से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा साधु बन गए वो, उसके बाद जब उन्हें नहीं मिला तो एक दिन अड़कर बैठ गए कि भाई हमको तो चाहिए, हमको तो ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज नजर आती है कि डीप कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हो, चीजों को डीपली समझना, मतलब परम ज्ञान से जुड़ना, ये कोई ज्ञान, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो नॉलेज है जिसमें सारे लोग एंटर नहीं करते, ये वही लोग एंटर करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ध्यान ज्ञान को चुनते हैं। तो आप इस तरह की एनर्जी में हो यार गाइस, तो टर्निंग इनकी एनर्जी है, मतलब आप अपने अंदर हो, गो विद द फ्लो जा रहे हो, परमात्मा पे सब छोड़ रखा है आपने, अपना काम कर रहे हो, मजे की जिंदगी जी रहे हो, आपकी लाइफ तो सेट है गाइस, ठीक है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर अब देखिए डीएम आपकी तरफ आया था, एम्परर आपकी तरफ आया था, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने अपनी रीडिंग में हमेशा गाइड किया है, डोंट चेज, जो चेजर होते हैं वो अपने आप को लायक नहीं मानते, जो अट्रैक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग होते हैं,
क्योंकि अट्रैक्ट करने की पावर थी उनके पास, इसीलिए वो डिजर्विंग कहलाते हैं। और जो चेजर होते हैं वो उनको चीजें कभी भी उनको सेटिस्फाइड नहीं करती, सेटिस्फाइड हमेशा उनको करती हैं चीजें जो अट्रैक्ट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं और डिजर्विंग अपने आप को मानते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो ये चेजर की एनर्जी नहीं है गाइस, ये वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, ये अच्छे अच्छों को अट्रैक्ट कर ले आपकी लाइफ में, आपकी तरफ ऐसे लोग खिंचे हुए आएंगे। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको रखना है किसको नहीं, जिसको नहीं रखना है उसको जाने देना है। ठीक है, ये एनर्जी है। वाओ, आपका जो इनर वर्क है वो आपके पर्सन को लगातार दिखाई दे रहा है उनके ड्रीम्स में, वो लगातार आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, लगातार आपको आपसे रिलेटेड साइन उनको मिल रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। ठीक है, सो दो कार्ड यहाँ से लेते हैं, फिर खत्म करते हैं रीडिंग को। फोर ऑफ शॉर्ट टावर, इस पर्सन को ना जब से बातचीत बंद है आप लोगों की टावर जैसा फील होता है। ठीक है, मतलब अगर आप नो कॉन्टेक्ट में और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है तो टावर चल रहा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर करियर में सफर कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं अगर जो जिनको अभी नए हैं चैनल पे या फिर थोड़ा बहुत भी करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं करियर में, तो ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उन्हें ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ओके, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।